बढ़ती ठंडक को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी रैन बसेरों को सक्रिय करने के निर्देश देने के बाद नगर निगम ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि हमारे यहां कुल 10 छोटे बड़े आश्रय स्थल हैं जहां पर 313 लोग ठहर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि बाहर से आने वाले लोगों को ठंड का सामना न करना पड़े, इसके लिए नगर निगम की टीम लगी हुई है। आश्रय स्थल पर ठहरने वाले राहगीरों मजदूरों को नई चादरें और बिस्तर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब मजदूर में कंबल वितरण का कार्य भी पार्षदों के सहयोग से करेंगे। महापौर सीताराम जायसवाल ने पुलिस प्रशासन सहित आम जनमानस से भी अपील किया है कि अगर कोई भी यात्री या मजदूर सड़क पर पड़ा मिले तो उसे नजदीकी रैन बसेरे तक पहुंचाएं, जिससे उसे ठंड का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, देखिए नगर निगम में पूरी तैयारी कर ली है कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर नहीं रहेगा, अलाव और रैन बसेरा की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई है। हमारे यहाँ छोटे बड़े मिला करके 10 आश्रय स्थल हैं जहाँ पर 313 लोग ठहर सकते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं। अगले साल भी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की थी और इस साल भी हर आश्रय स्थल में रैन बसेरा में नगर निगम ने व्यवस्था की है, नए कम्बल नए बिस्तर नए चादर दिए जा रहे हैं कि जिसमें बाहर से आने वाले लोगों को ठंड का सामना न करना पड़े, उन्हें आश्रय स्थल में जगह मिल जाए। मैं सभी जागरूक नागरिकों से और पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर सोता हुआ दिखाई पड़ता है या मजबूर है तो उसके नज़दीक के रैन बसेरा में पहुँचावें और उनका भाग्य करें। साथ साथ नागरिकों से भी अपील करूँगा कि किसी मोहल्ले में किसी भी जगह पर जाड़े के दिनों में कोई सड़क पर न सोए, उसकी सूचना नगर निगम के सक्षम अधिकारियों को दी जाए। और हम लोग चाहेंगे कि गोरखपुर में ठंड के कारण किसी भी नागरिक की सुरक्षा प्रभावित न हो। हम प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी गरीब लोगों तक पार्षदों के माध्यम से कंबल पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सभी को गोरखपुर वासियों को आग्रह करूंगा कि नगर निगम के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना अपना सहयोग प्रदान करें।